हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। मैं प्रियंका आपके लाई हूँ प्रकारवादी सिद्धांत मिलनोवाजकी का प्रकार। मिलनोवाजकी से संबंधित यूजीसी नेट के 2012 से 2017 तक के पूछे गए प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रकारवाद क्या है। एक जीव शास्त्री जो सोचता है मानव शरीर कैसे कार्य करता है, तो वह विभिन्न भाग जैसे दिमाग, फेफड़ा, दिल तथा जिगर आदि की जांच से प्रारंभ करता है। यदि वह अलग अलग भागों का केवल विश्लेषण करके छोड़ देता है तो वह यह स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि जीवन को कैसे बनाए रखा जाता है। इसलिए जीव शास्त्री हृदय, फेफड़े, दिमाग आदि के बीच पाए जाने वाले संबंधों की जाँच करता है, ताकि वह समझ सके कि ये विभिन्न भाग किस प्रकार काम करते हैं और शरीर का अस्तित्व बनाए रखने में इनकी क्या भूमिका है। इसी प्रकार प्रकारवाद में समाज में विभिन्न भागों का अंतर संबंधित रूप में और सबको संबंधित मानकर देखा जाता है। उनसे पूर्ण व्यवस्था निर्मित होती है। समाज के किसी भी भाग जैसे परिवार, धर्म या राजनीति को समझने के लिए उसे संपूर्ण समाज के संदर्भ में देखते हैं। उदाहरण, प्रकारवाद समाज के एक भाग जैसे परिवार की इस दृष्टि से जांच करता है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में क्या योगदान निभाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि सरल भाषा में प्रकार का अर्थ प्रभाव है। इस रूप में परिवार का प्रकार प्रभाव है जो सामाजिक संरचना के अन्य भागों और संपूर्ण समाज पर पड़ता है। प्रकार शब्द साधारणता या प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि एक संस्था का सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और उसके अस्तित्व की रक्षा में क्या योगदान है। इसलिए परिवार नामक संस्था का प्रमुख प्रकार समाज के नए सदस्यों का समाजीकरण करना है। परिवार का यह प्रकार समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मिलनोवाजकी, दुर्खिम, पार्सन्स, मार्टन ये प्रमुख प्रकारवादी हैं। आइए जानते हैं मिलनोवाजकी के बारे में। मिलनोवाजकी, इन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था को समझाने के लिए प्रकारवाद का सहारा लिया। इनके अनुसार मानव और पशु में प्रमुख अंतर है कि मानव के पास संस्कृति है और इस संस्कृति का निर्माण उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। इसलिए इनके सिद्धांत को आवश्यकता सिद्धांत कहा जाता है। मिलनोवाजकी कहते हैं कि मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताएं हैं: शारीरिक पोषण, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि, स्वास्थ्य। प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। मिलनोवाजकी की सैद्धांतिक विचारधारा को शुद्ध प्रकारवाद कहा जाता है। फंक्शनल यूनिवर्स, फंक्शनल नीड और फंक्शनल इंडिपेंडेंसिबिलिटी आदि अवधारणाएं मिलनोवाजकी से संबंधित हैं। मिलनोवाजकी ने सहभागी अवलोकन पद्धति के माध्यम से ट्रोबियंटा द्वीप समूह न्यूगिनी की मातृवंशी लोगों का अध्ययन तथा मलेनेशियाई लोगों का मानव शास्त्री अध्ययन किया। आदिम समुदाय विशेष में क्षेत्रीय शोधकर्ता करने वाला पहला व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित नरशास्त्री मिलनोवाजकी जी थे। मिलनोवाजकी संस्कृति को एक कार्यशील समग्रता के रूप में देखते हैं। मिलनोवाजकी का मत है कि संस्कृति का अध्ययन स्वपर्याप्त यथार्थ की तरह जाना चाहिए। मिलनोवाजकी ने सांस्कृतिक विशेष की प्रकार प्रथाओं और संस्थाओं को विस्तृत से प्रस्तुत करने के लिए ठोस प्रमाण के आधार पर सांख्यिकीय प्रलेख की विधि प्रस्तुत की। मिलनोवाजकी ट्रोबियन द्वीप समूह के संस्कारों में सृजनात्मकता देखते हैं। मिलनोवाजकी के अनुसार
जीवन की अंतिम घटना मृत्यु धर्म का स्रोत है। काले जादू और प्रेम जादू की अवधारणा मिलनोवास्की ने दी। मिलनोवास्की जादू टोना को व्यक्तिजन उपलब्धि के रूप में देखा। मिलनोवास्की ने दीक्षा अनुष्ठान के कुछ समान अभिलक्षण बताए हैं। पहला, दीक्षा पाने वाले व्यक्तियों को कुछ समय के लिए अकेले रहना है। इस अवधि में वे अपने आप को अनुष्ठान के लिए तैयार करते हैं। दीक्षा अनुष्ठान के दौरान युवकों को कई कठिनाई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। दीक्षा अनुष्ठान के दौरान कठिन परीक्षाओं का मतलब प्रतीकात्मक रूप में अनुष्ठानिक मृत्यु है। दीक्षित व्यक्तियों का परिचय पवित्र वस्तुओं से होता है। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स मिलनोवास्की के हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। मिलनोवास्की जी से संबंधित 2012 से 2017 तक के प्रश्न इस प्रकार हैं, जो प्रकारवाद हैं और मिलनोवास्की से संबंधित। प्रकारवाद किसके सामाजिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण तत्व है? इसका चौथा ऑप्शन सही है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन तथा आर के मार्टिन। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकारवाद की ध्रुवीय कार्य पद्धति है क्षेत्रीय कार्य यानी कि फील्ड वर्क, इसलिए क्योंकि मिलनोवास्की ने जनजातीय अध्ययन किया था ट्रोबियांडा का, दुर्भीन जी ने अरुंडा जनजाति का, इसलिए। अगला, कूला किससे संबंधित था? ट्रोबियांडा द्वीपवासी और मिलनोवास्की। ऑप्शन सी इसका सही है, कूला मिलनोवास्की ने अपने ट्रोबियांड आइसलैंड के दौरान देखा या इस जनजाति का एक अनुष्ठान है। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। देखिए, मार्टन अनुभूति मूलक पार्सन्स विश्लेषणात्मक प्रकार पर, मिलनोवास्की आवश्यक प्रक्रियात्मक पोजर संघर्ष प्रक्रियात्मक। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या क्वेश्चन 2014 में भी आया था और 2015 में भी आया था? इसका सही उत्तर है मिलनोवास्की जी। ट्रोबियन द्वीप आइसलैंड का अध्ययन किसने किया था? मिलनोवास्की जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची का मिलान करना है। देखिए, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे और अच्छे से याद कर सकते हैं। मिलनोवास्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? वो है नरजाति वर्णन। यह कथन किसका है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिकता श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना? यह मिलनोवास्की जी का है, इसमें सही मिलान करना है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे और अच्छे से याद कर सकते हैं। ये सन 2017 का क्वेश्चन है जो नवंबर में हुआ था। ये भी 2017 नवंबर का प्रश्न पत्र है। ये सही मिलान आप वीडियो को पॉज करके और अच्छे से याद कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक जरूर दें। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।